तो ये कुर्ती और प्लाजो जो है ना मेरा न्यू है, तो आज मैं सोच रही हूँ यही पहनकर जो है पूजा करूँ। वेलकम है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज है मेरी एनिवर्सरी। मैंने यहाँ पे पहना ये सूट, ये व्हाइट कलर का प्लाजो, और ये है कुर्ती जो मैं इंडिया से लेकर आई थी। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह जो भी था वो सब मेरा हो चुका है पूजा वगैरह। और यहाँ पे मैंने इवनिंग में जो है ना, हम लोग आज इवनिंग में जो है हम लोग जाएंगे बाहर कहीं जाएंगे, तो देखते हैं घर पे केक कटिंग जो है वो घर पे होगा या बाहर होगा, वो नहीं पता मुझे। तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए हैं और बच्चे स्कूल गए हैं, तो वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब और बस बच्चे जो है स्कूल गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए। फिर मैं आप आने के बाद मैं आप सबको गिफ्ट दिखाती हूँ कि एनिवर्सरी गिफ्ट मुझे क्या मिला था। और यहाँ पे मैंने ना दो कपड़े भी निकाले हैं जो मैं इवनिंग में आज जाऊंगी बाहर तो पहनूंगी। तो पहले मैं आती हूँ बच्चों को लेकर, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आ गई हूँ मैं इस मैं बच्चों को लेकर जो है मैं आ गई हूँ, और मैं आप सबको दिखाती हूँ पहले अपना गिफ्ट कि मुझे क्या मिला था। तो ये है मालाबार का, सॉरी ये है मालाबार का। तो ये इयररिंग्स मुझे मिला है गिफ्ट में। तो मेरी जो है 11th एनिवर्सरी है इस बार। तो ये है, काफी प्यारा सा मुझे लग रहा है। तो ये हस्बैंड जो है अपनी पसंद से लिए हैं। हस्बैंड जो है मतलब मैं चार पांच रिंग इयररिंग्स जो है ना वो पसंद करी थी, तो उसमें से ये इयररिंग्स जो है हस्बैंड लिए थे। एक इयररिंग्स जो काफी पसंद आए थे वो मुझे भी आए थे और हस्बैंड को भी आए थे, बट उसका मेकिंग चार्ज की वजह से जो है हम लोग लिए नहीं। एक और इयररिंग्स है तो वो मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी। और हाँ, मैं आप सबको बता रही थी कि मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज, मतलब बहुत बड़ा जो है ना वो मेरा ड्रीम भी पूरा हुआ है। मुझे मिला है मेरा सपनों का घर। तो हमने जो है ना एक घर लिया है, 3 BHK है वो, नोएडा में सेक्टर 150 में, इस पार्क वे का है। काफी अच्छा है वो, सोसाइटी जो है ना काफी अच्छी है। आप गूगल, आप जो है ना यूट्यूब वगैरह पे सर्च, आप जो है ना यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, इस पार्क वे का है, एक सेक्टर 150 में। तो वो है मेरा सपनों का घर, मेरा ड्रीम। मतलब सबका एक ड्रीम होता है कि उनका जो है सपनों का घर हो, एक गाड़ी हो, घर हो। तो बस गाड़ी हो गया, फाइनली हमारा घर भी हो गया। तो अभी जो है हम लोग दिल्ली में लिए हैं। ऊपर वाले चाहेंगे, अगर हमें रहना हुआ है यहाँ पे दुबई में, तो ऊपर वाले चाहे तो हो सकता है हम लोग दुबई में भी अपना घर ले, बट अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं है कि हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे, बट ऊपर वाले की मर्जी। सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए वही है कि हाँ वो एक घर हो गया है। काफी टाइम से जो है ना हम लोग सोच रहे थे एक, बस हो गया है। तो बस हम लोग वही सोच, तो हम लोग सोच रहे थे जुलाई अगस्त में छुट्टियां होती है बच्चों की, तो मे भी हम लोग जाते हैं इंडिया, बट वही देखते हैं दिन वगैरह जो होता है ना, कुछ पूजा वगैरह करना होता है तो उसके लिए अगर अच्छा डेट मिल जाए तो फिर जाएंगे, वरना हम लोग फिर नवम्बर में जाएंगे छठ पूजा के टाइम। क्योंकि अभी अगर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग अभी जुलाई अगस्त में जाएंगे तो फिर नवंबर में छठ पूजा टाइम नहीं जाएंगे। और हस्बैंड को थोड़ा सा रहता है कि छठ पूजा हमारा सबसे बड़ा त्योहार है बिहार का, तो उसमें जो है हम लोग जाए। तो लास्ट टाइम जो है हम लोग छठ पूजा में ही गए थे, तो इस बार भी हम लोग सोचा है अगर अच्छा दिन वगैरह मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग नवम्बर में ही जाएंगे छठ पूजा में, तो उसी टाइम पूजा वगैरह जो भी है वो कर लेंगे। तो अभी जो है ना उसमें रेंट ही, अभी तो हम लोग वहां पे रहेंगे नहीं, तो फिर रेंट वगैरह ही लगवाएंगे। और उसमें जो है कुछ वगैरह किचन वगैरह का काम करवाना है, कवर्ड बेडरूम में कवर्ड वगैरह लगवाना है, तो वो मैं वहां पर जाने के बाद देखूंगी। क्योंकि जब तक किचन वगैरह में कवर्ड वगैरह चाहिए ही होता है, तो वो मैं लगवाऊंगी वहां पे जाने के बाद, देखती हूँ कैसे क्या होता है, फिर मैं आप सबको वो अपडेट दूंगी। अभी पता नहीं है, बट हाँ ये हो गया है कि हमारे पास घर हो गया है एक। तो बस ये है। और नवंबर दिसंबर में जो है ना 1 month की छुट्टियां भी होती है बच्चों की, बट उस टाइम जो है ना थोड़ी ज्यादा ठंड होती है, और बच्चे जो है ना ठंड में कभी इंडिया में रहे नहीं है, तो उनको पता नहीं इतनी ठंड के, मतलब इंडिया में जो ठंड होती है ना, बच्चों को अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि कितना ठंड होता है इंडिया में, क्योंकि अन्य पीहू जो है कभी ठंड में वहां पे नहीं रहे हैं। तो मैं सीजन से कपड़े ली थी, तो मैं देखूंगी ट्राई करके कि कौन से कपड़े मैं पहनू, और वो जो इयररिंग्स हस्बैंड लिए है वो मैं पहनूंगी। तो एक ये है ड्रेस, तो देखती हूँ जो अच्छा लगेगा वही मैं पहनूंगी। तो एक ये है और एक है वन शोल्डर है वो।
और एक ये है, तो जो उसी अकॉर्डिंग जो है वो मैं पहनूंगी। तो ये जो है ना, ये है ऑरेंज कलर की ड्रेस। यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, थोड़ी बहुत रिंग पहने हैं मैंने और हस्बैंड से जो गिफ्ट मिला था तो सोचा वो मैं पहन लूँ। तो ये है पहली, मैं ये अन्नी का जो है चेन है तो वो पहन ली हूँ, छोटा सा है तो गले में अच्छा लगता है ये, तो वो पहन ली हूँ। एंड ये है मेरा फुल लुक। ये ड्रेस जो है ना मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही थी पहले वो पिंक वाली पहनूं, फिर मैं अपनी सिस्टर को कॉल करी, अपनी भाभी को कॉल करी, दोनों से पूछी, सजेशन ली कि कौन सा बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन है तो दोनों में से कौन सा पहनूं। तो उन लोगों ने मेरे को बोला ये पहन लो क्योंकि ये काफी अच्छा लग रहा है। तो बस तो मैं सोच चलो ये पहन लेती और मेरे को भी ये काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, बच्चे जो है रेडी हो गए हैं, सब जो है नीचे जा चुके हैं। तो मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा सा रुक गई थी, नहीं तो बच्चे इतना ज्यादा जो है ना शोर कर रहे थे तो उसमें कुछ आवाज आती नहीं। और तो अन्नी जो है अपने बालों से निकाल कर मेरे बालों में लगा दिए, वो खुद क्यों तुम लगा लो, तो मैं वही लगा ली हूँ। बस मैं अपना देख रही हूँ, फेस वगैरह देख रही हूँ कैसा लग रहा है क्लिप लगाने के बाद। अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने जो है ना अपने हेयर में जो है ना वो काफ़ी सारे लगा लिए थे। और यहाँ पे ये मिली है पीहू से, तो बस हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है ना बरदुबई में है महाराजा करके है ये। क्या ये छाछ या छाछ? बटर मिल। ओके बटर मिल भी फटी हुई है, एक कह रही थी फटी हुई भी। और इनका निकल रहा है अभी, रुक जाओ इसमें ना, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें मत डालना क्योंकि पहले हमारे को केक काटना है, तो हस्बैंड जो है यहाँ पे कैंडल वगैरह लगा रहे थे और मैं थोड़ा सा जो है केक का फोटो वगैरह ले रही थी, वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे जो है केक कटिंग वगैरह हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है ना फोटो शूट करवाने लग गए थे। तो ये है ढोकला है और ये कटलेट है और अनियन वगैरह कुछ सैलेड वगैरह होता है वो हस्बैंड लिया है, मैं नहीं ली हूँ। और यहाँ पे ग्रीन चटनी है, रेड वाली चटनी है, हाँ तुम्हें जो खाना हो खाना। अच्छा ये दही भल्ला है, मेटी गोटा, थोड़ा सा इसमें भी डाल देना आप, मेथी गोटा, दिस वन मेथी गोटा। वेट वेट वेट, उधर तीखा होगा, वेट वेट ना ना, दिस वन इज नाइस, थैंक यू, नाइस,
एक खा लो पहले, ढोकला खा लो। क्या चाहिए? तो ये ले लो ना, एक ढोकला ले लो। पनीर मखनिया टिंडली। क्या? टिंडली टिंडली टिंडली। अच्छा ये कुंदरू। हाँ कुंदरू। ये आलू है? आलू। अच्छा चना। आलू डाल देते कड़ी। साइड हो जा बेटा, साइड हो जा थोड़ा। ये क्या है? ये दाल है। आपके लिए अमृत। अच्छा मैंगो। मैंगो मैंगो बेटा। अरे इट्स नॉट रॉ, इट्स जस्ट अ मैंगो लिक्विड। ट्राई तो करके देखो, थोड़ा सा डाल देना। हलवा, मूंग दाल हलवा ना, खा कर देखो। हलवा तो हलवा। तो यहाँ पे राइस वेज, मतलब प्लेन राइस, वेज पुलाव और खिचड़ी भी थी। तो मैं भी चपाती ली हूँ, वाइट राइस ली थी। जो है हमारा टम्मी जो है वो फुल हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे खाएंगे कुल्फी। चाय चाहिए? नहीं कुल्फी चाहिए। कुल्फी नहीं, वो जो खाइए। यहाँ पे जो प्लेट था वो 58 का है, 1% है, और इसमें जो है अनलिमिटेड खाना था। और पानी पूरी, तो ये भी जो है ना अन्य पीयू जो है पानी पूरी खा कर रहे हैं। पानी पूरी, आइसक्रीम जो है, चाय, सब जो है उसी में 58 में ही था। काफ़ी अच्छे है, मुझे जो है ना ये काफ़ी अच्छी जगह लगी। और बस लास्ट में मैं ये कुल्फी खा रही हूँ। मेरे को मीठा खाना नहीं है, बट मैं आज मीठा खा रही हूँ क्योंकि आज बनता है कुछ मीठा खाना, एनिवर्सरी है तो कुछ मीठा खाना बनता है। तो आप मतलब यहाँ पे कुछ भी कितना भी खा सकते हो क्योंकि सब कुछ अनलिमिटेड था। तो बाहर जाते जाते यहाँ पे पानी पूरी दिखा, बट मेरे पेट में जो है ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी खाने के लिए, तो फिर मैं बाहर निकल गई। तो डिनर वगैरह जो भी था वो सब हो गया है हमारा। अब निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए, क्योंकि कल जो है ना स्कूल वगैरह है ना, स्कूल है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल लिए हैं। तो बस वेडनेसडे को स्कूल है, उसके बाद जो है ना ईद की छुट्टियां हैं। तो चलिए, तो बस हम लोग आ गए हैं घर। तो अभी जो है हम लोग लिफ्ट में। तो बस वीडियो को जो है ना यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, जरूर बताना मैं कैसी लग रही थी, ड्रेस कैसा लग रहा था।